वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज विधानसभा चुनाव प्रचार करने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर की चुनावी सभा में कहा कि हम चुनाव में वोटों के लिए नहीं, किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं उतरे हैं। हम देश में एकता रखना चाहते हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। डबल इंजन वाले 18 साल से यहां हुकूमत कर रहे हैं और 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो यहां के समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया? ये भाग तो दलितों का, पिछड़ों का और अत्यंत गरीब लोगों का ये एरिया है। मुझे खुशी हो गई आज कुशवाहा जी ये ज्वाइन हो गए हमारे पार्टी को। मदन कुशवाहा ज्वाइन हो गए। सुनिए सुनिए, देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे।